अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। रमज़ान का खूबसूरत महीना चल रहा है और हम एक बार फिर से एक ऐसे ट्रैक पे आ जाते हैं लाइफ के, जहाँ पे हमें ये एहसास होने लगता है कि जो रमज़ान के बिना जो हम ज़िंदगी बाकी के जो 11 महीने होते हैं जो हम गुजारते हैं, वो हमें कैसे गुजारने चाहिए। रमज़ान एक रिमाइंडर है हम सबके लिए कि लाइफ इस तरह काटनी होती है, और हम सिर्फ साल में एक बार चूज़ करते हैं और फिर ब्लेम हम बहुत सारी चीज़ों पे करते हैं। बात सिर्फ प्रायोरिटीज़ की होती है कि हमें कौन सी चीज़ को कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। रमज़ान हमें ये चीज़ सिखाता है कि हमारे हर छूटी हुई इबादत पे, हमारे हर उस चीज़ पे जहाँ हमने कहा था कि हमारे पास वक्त नहीं है, हर उस चीज़ के पीछे शैतान नहीं होता, कभी कभी हमारी चॉइस होती है वो। और जैसे हम ये एक महीना गुजारते हैं ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए। रमज़ान का जो फास्टिंग पीरियड होता है, उसके बाद जो ईद मनाने की खुशी होती है, वो खुशी हम सब जानते हैं कि हमने 30 दिन तक अल्लाह से इबादत की, हमने 30 दिन तक रोज़े रखे, हमने अपनी कोई कोई भी नमाज, फ़र्ज नमाज मिस नहीं की, हमने तहज्जुद की नमाज मिस नहीं की, और फिर जो ईद की खुशी अल्लाह हमें देता है वो हम सब समझ सकते हैं। तो खाली इमेजिन करिए कि अगर आप अपनी लाइफ रमज़ान जैसे गुजारेंगे तो अल्लाह आपको ईद का इनाम कितना ऊपर देगा, कितनी खुशी आपको अल्लाह देंगे। और बात कहते हैं ना कि बात सिर्फ यही होती है कि हमें चूज़ करना होता है कि हमें कौन सा टाइम अल्लाह के लिए रखना है और हमें कौन सा टाइम दुनिया के लिए रखना है। कुरान शरीफ में बार बार अल्लाह ने ये फरमाया है कि तुम दुनिया में इसीलिए आए हो ताकि तुम इबादत करो मेरी, ये हमारा ओनली मोटिव है। और इसको हम एक साइड ऑप्शन बना देते हैं कि वक्त मिलेगा तो नमाज पढ़ेंगे, वक्त मिलेगा तो कुरान पढ़ेंगे। हम सबको, जैसे कि मैंने एक प्री रमज़ान पोस्ट रखा था, उसमें मैंने कहा था कि हम सबको इस रमज़ान में एक कहते हैं ना काइंड ऑफ रिजोल्यूशन काइंड ऑफ ले लेना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में एक चेंज ऐसा करें इस रमज़ान के थ्रू जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए। तो आई थिंक हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारी लाइफ में, जो हमारे अंदर चेंज एक बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम प्रायोरिटाइज़ करें कि जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा है ना, वो इबादत करना है। बाकी सारी दुनियावी चीज़ें हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गाज़ा के लोग। उनके ऊपर जो बीती है, वो जो सफरिंग से गुजर रहे, वो सिर्फ वो और उनका अल्लाह जान सकता है। हम एक सेकंड के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो लोग किस पोजीशन में है। ना उनके पास खाने का इंतज़ाम है, ना पानी पीने का इंतज़ाम है, ना उनके पास अपने हैं जिनके साथ उन लोग ने पिछला रमज़ान गुजारा था, वो छोटे मासूम बच्चे। आप खाली इमेजिन करिए कि अपना खुद का बच्चा जब 5 मिनट के लिए कहीं खो जाता है, कहीं हमें दिखाई नहीं देता, तो हमारे ऊपर क्या बीतती है। बस वो 5 मिनट उनकी पूरी ज़िंदगी है गाज़ा के लोगों की। और वो लोग रमज़ान में ये सारी चीज़ों के ऊपर, ये सारे गमों के ऊपर पर्दा डालकर वो लोग अल्लाह की इबादत में खड़े हो गए। हम मतलब जब इस चीज़ को सोचते हैं ना कि गाज़ा के लोग जी कैसे रहे, तो वो लोग वही कर रहे हैं जो कुरान में लिखा है। वो लोगों के ऊपर भले जितने ही गमों के पहाड़ टूटे हो, या उन लोगों के ऊपर जो भी सफरिंग हो रही हो, एट द एंड ऑफ द डे उनको पता है कि हमें दुनिया में सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए भेजा है, और वो गम बर्दाश्त कर लेते हैं अल्लाह के खाते। और अल्लाह इसका अजर उन्हें सबसे खूबसूरत और सबसे आला तरीके से अदा करेगा, इस बात का यकीन हमें कुरान के ट्रांसलेशन में मिलता है कि जो लोगों ने अल्लाह के रास्ते में या अपने दीन के लिए जो भी दर्द बर्दाश्त किए, जो भी मुश्किलें आई है उनकी ज़िंदगी में, उस सब का अजर अल्लाह आखिरत में हमें देता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में आज भी जो आखिरत में यकीन नहीं रखते। आज मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप आखिरत में यकीन नहीं रखते, कि आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी भर सच बोलने वाले, जिसके सच बोलने पर उसने बहुत सारे रिश्ते, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारी सहूलतें खो दी हो, और जो झूठ बोलने वाला इंसान, जो मुनाफिक इंसान जिसने अपने झूठ के जरिए बंगले बसा लिए हो, हर किसी की मोहब्बत पा ली हो, उन सबका कब्र में एक ही अंजाम होगा। क्या आप सबको लगता है कि आखिरत में जो इंसान
हक के रास्ते पर चलने वाला होगा, और जो इंसान गलत रास्ते पर चलने वाला होगा उसका एक ही अंजाम होगा। जो इंसान अपनी शान और शौकत, अपनी दौलत में तकब्बुर करता हो, लोगों को नीचे गिराता हो, लोगों को कुचल देता हो अपने फायदे के लिए, वो इंसान, और जिस इंसान को अल्लाह ने बहुत सारा नवाजा हो, उसके बाद भी उसने गरीबों का ख्याल किया हो, उसने ज़कात की हो, उसने सदका दिया हो, उन दोनों का अंजाम एक ही होगा? नहीं ना, ये सोचने वाली बात है। जो लोग आखिरत में यकीन नहीं रखते ना, उनके लिए यही ख्याल काफ़ी होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो यकीन नहीं रखते और जो यकीन रखते उन दोनों का आखिरत में एक ही अंजाम होगा? नहीं होगा। ये रास्ता हमारा है ना, ये जिंदगी का रास्ता कुछ पलों का है, और इसके बाद है ना रियल टेस्ट स्टार्ट होती है। एक टेस्ट स्टार्ट होती है जब हम कब्र में पहुंचते हैं। ये जो कब्रिस्तान है ना, वहाँ पे जितनी भी कब्रें मौजूद है ना, वो कब्रें इस बात की गवाही होगी कि जिस इंसान ने जिंदगी में सही का साथ दिया हो और सही रास्ता पकड़ा होगा, उसका अंजाम कब्र में भी अच्छा ही होता है, और जो गलत रास्ता पकड़ता है ना, उसे कब्र में भी सुकून नसीब नहीं होता। इसीलिए ये रमज़ान हमें सोच लेना चाहिए कि हम अपना ईमान मजबूत कर ले, हम ये जान ले कि हम जो ज़िंदगी आज अपने लिए डिज़ाइन करने वाले, जो रास्ते हम अपने लिए आज चूज़ करने वाले, उससे हमारा रियल टेस्ट का अंजाम होने वाला है। रियल जो आखिरत में जो हमें जब बताया जाएगा ना कि तुमने ये किया था, जो अब जब हमारा हिसाब किताब होगा ना, तब अल्लाह हमें पूछेंगे कि क्या तुमको बार बार मेरी साइंस नहीं मिली थी, क्या तुम्हें बार बार ये पता नहीं चला था कि तुम्हारा अंजाम क्या होने वाला है, और उसके बावजूद तुमने इस ज़िंदगी को चूज़ किया। तो जो हमारे साथ होगा ना, जन्नत का फैसला या जहन्नुम का फैसला, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ हम अकेले होंगे। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए इसीलिए, तमाम मुसलमानों के लिए इसीलिए बनाती हूँ ताकि मैं उन्हें बता सकूँ कि मैं जिस जगह से आई हूँ, मुझे अल्लाह ने आपके जैसे, बोलते ना बाय बर्थ ईमान नसीब नहीं किया था, पर अल्लाह का एहसान है, जब मुझे ईमान मिला तब धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने अपनी ज़िंदगी सुधारी, और बेशक आगे मेरा रास्ता बहुत लंबा है, मैं बेशक आगे चल के बहुत कोशिश करूँगी अपने आप को सुधारने की, पर मैं यही कोशिश करती रहती हूँ कि जो लोग मुस्लिम्स के बारे में गलत मेंटालिटी रखे हुए हैं ना, वो सिर्फ ज़िम्मेदार उसके सिर्फ मुस्लिम्स है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स हैं जो सही तरीके से चल नहीं रहे, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे वीडियोस के ज़रिए अगर एक दो लोग भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव ले आएंगे, सुधार ले आएंगे, तो वही मेरा मकसद, बोलते हैं ना मेरा जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, और मेरी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह। इसीलिए प्लीज़ अब इस रमज़ान, फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ कि रमज़ान एक मौका देता है अल्लाह अपनी ज़िंदगी सुधारने का, तो अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर लाइए, अपनी प्रायोरिटीज़ को एक लाइन दीजिए, हमारा मकसद दुनिया में क्या है। ये 5 वक्त की नमाज और कुरान सिर्फ रमज़ान तक मत रखिए, इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यही ज़िंदगी है। अस्सलामुअलैकुम।